बात करें अगली खबर की तो ग्वालियर नवागत कलेक्टर रुचिका चौहान ने सोमवार को अपने कार्यभार ग्रहण किया। इससे पहले उन्होंने अपने अधीनस्थ सभी विभागों के अधिकारियों से कार्य की प्रगति और अधूरे कार्यों के बारे में जानकारी हासिल की। बाद में मीडिया से रूबरू होकर कहा कि शासन की योजना को धरातल पर पहुंचाना उनकी प्राथमिकता होगी। समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचे, यही उनकी कोशिश होगी। सभी जल स्रोतों में पानी की स्थिति का आंकलन किया जाएगा, जरूरत पड़ने पर पानी को लिफ्ट करने की भी योजना तैयार रखने और उन्होंने अपने अधिकारियों को निर्देशित किया है। ग्वालियर से योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। ग्वालियर क्षेत्र एक बहुत ही बड़ा सेंटर है, बड़ा इकोनॉमिक सेंटर है, बड़ा ग्रोथ का सेंटर है और इसी दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुसार यहाँ का डेवलपमेंट हो, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। सबसे पहले जो छूटे हुए व्यक्ति हैं, जो पंक्ति के अंतिम व्यक्ति हैं, उनके विषयों को हम स्टडी कर सके, कहाँ हमारे गैप्स हो रहे हैं उनको एनालाइज कर सके और वहाँ तक हम लोग पहुँच सके, ये हमारी प्राथमिकता होगी। साथ ही आने वाले समय में गर्मी का मौसम आ रहा है तो पेयजल की कैसे आपूर्ति हर परिवार तक हो सके उसकी टाइमली प्लानिंग करना और उसका एग्जीक्यूशन करना, ये हमारी प्राथमिकता होगी। रबी उपार्जन के लिए तैयारी हम लोग बिल्कुल ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ इट है। अभी किसानों का पंजीयन कंप्लीट हो गया है और सेंटर्स को फाइनलाइज करना और वहाँ पर किसानों का एक्सपीरियंस जो है उपार्जन जो यदि लेकर के आते हैं तो उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहे, इसकी हमारी प्राथमिकता रहेगी। और निकट भविष्य में लोकसभा चुनाव हमारे यहाँ पर होने वाले हैं, पूरे देश में होने वाले हैं।